गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय के जलदाय विभाग अधिकारियों की लापरवाही के चलते त्यौहार के सीजन में भी नहीं हो पा रही जलापूर्ति। 3 से 4 दिन में 20 मिनट की जा रही है जलापूर्ति, फिर भी समय पर जलापूर्ति नहीं दे पा रहे हैं। मामला पंचायत समिति स्थित पानी की टंकी का है, जिसके बाल्ट टूटे होने के चलते जलापूर्ति बाधित रही। पानी की सप्लाई खोलने वाले कर्मचारी ने बताया कि 4 महीने पहले जलदाय विभाग के अधिकारियों को बाल और बासर की सूचना दी गई थी, जो कि अभी तक सही नहीं हुई। आज बाल टूट गया, जिसके चलते जलापूर्ति बाधित रही। बाढ़वासियों का आरोप है कि जलदाय विभाग के अधिकारियों की ये घोर लापरवाही है। ऐसा लगता है जैसे जलदाय विभाग के अधिकारियों ने टैंकरों और पानी सप्लाई करने वालों से तालमेल बैठा रखा है, जिसके चलते उनका धंधा जोरों पर चल रहा है। सोचने वाली बात यह है कि बारिश और सर्दी के दिनों में ये हाल है, तो गर्मियों में क्या हाल होगा। शहरवासियों द्वारा कई बार लिखित और ऑनलाइन शिकायतें की गई, फिर भी नहीं हुई कोई सुनवाई। जिला प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। आइए देखते हैं ब्रेक के बाद संवाददाता गुलशन नागी की ग्राउंड रिपोर्ट। गंगापुर सिटी जिले के वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नाक, कान, गला रोग के प्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष शर्मा हर गुरुवार को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसके अंतर्गत नाक, कान, गला रोग संबंधी समस्त प्रकार की बीमारियों का इलाज एवं ऑपरेशन किया जाता है। वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर मनोज जैन ने बताया कि वर्धमान हॉस्पिटल में नाक, कान, गला रोग का परामर्श एवं ऑपरेशन की सुविधा हॉस्पिटल के अंदर ही रहती है एवं नाक, कान, गला रोग के डॉक्टर की सुविधा प्रत्येक गुरुवार को नियमित रूप से जारी है, जिसके अंतर्गत समस्त प्रकार की सर्जरी एवं समस्त प्रकार की बीमारियों का इलाज हमारे यहां RGS आयुष्मान चिरंजीवी योजनाओं के तहत किया जाता है। और अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9414328978 7023361088। बंद कीजिए, कितनी ताकत लगाई होगी यहाँ, इधर टूटा है यार, ये कितना मोटा होता है वो भी फुल खोलता है। हाँ वही तो, इसकी गलती नहीं है सर, लाइन मेन की कोई गलती नहीं, उसी को गलती नहीं क्या करेगा, ये तो मेंटेनेंस ही साला गलत है। अरे तुम तो यहाँ के कह रहे हो भाई साहब, रोड पे 8 जगह में बता चलो अभी, ये तो 8 जगह बता दो, पूरी लाइन टूटी पड़ी है, यहाँ से सप्लाई जाती है, वो 10 मिनट तक गंदा पानी आता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितनी दफे कह चुके हैं, वार्ड मेंबर से कह दी और किससे कहें, साहब से भी कह दी एक दफे, डॉक्टर साहब करवाएंगे 2-3-4 दफे वहाँ से भी आए थे कर्मचारी चेक करने के लिए, वो चेक करके चले जाते हैं, उनको कहीं मिलती ही नहीं टूटी सप्लाई, 4 दिन मारा है। मांग यही है हमें, तो हमारा हिसाब का पानी मिलना चाहिए, जो एक दिन छोड़ के एक दिन नियम बना रखा है, मात्र 20 मिनट पानी दे रहे हैं। ऐसा बंदे हैं या बेवकूफ़ है मेरे समझ में ये नहीं आता। पानी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे से ज़्यादा कीमती पानी होता है, इसके बावजूद ये व्यर्थ बह रहा है, ये क्या दिखता नहीं है कि उनको सुनते नहीं है, ये कितने अंधे हो गए कहते ही बिल्कुल ही, सब चीज़ दिख रही है भाई, पानी बेस्टेज जा रहा है, बेस्टेज तो मत जाने दो कम से कम यार, टूटी पड़ी है, लाइनें टूटी पड़ी हुई है, यहाँ बाल लिखिए जाए, यहाँ से पैकिंग लिखी जाए, वो कहाँ से आएगा पानी, मजाक बना के रख दिया प्रशासन को, मतलब इन लोगों ने सारे सब फर्जी आ गए यहाँ पर, ये दिख रहा है ना साहब, बता नहीं चल क्या दर पड़ा, इसलिए कि हमको कहेंगे नहीं पता चलेगा कि पानी लीकेज हो रहा है, ये दिख रहा है ना रोड पर फैल रहा, नाला भर रहा पूरी, टंकी भर गई पूरी इसकी, दिखता ही नहीं है किसी को, अंधे हो रहे बिल्कुल ही। जब सप्लाई मैन के पास में उसका बाल टूट गया, कई बार टूट गया बेचारे, 4 महीने शिकायत करके सही नहीं करवाते, ये काम किसका है, आराम की तनख्वाह ले रहे हो क्या आप लोग, तनख्वाह लेने का मतलब समझते हो आप, एक ईमानदार को जो जल तो जीवन है पूरा, इसके बावजूद भी मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे आप लोग, व्यर्थ मेरा नहीं क्या, यहाँ की राजनीति ने गंदी कर रही, इतना गंदा माहौल बना दिया, साले कुत्ते हो गए सब राजनेता, यहाँ पूरा माहौल प्रशासन भी ऐसे हो गया, राजनेता भी एक जैसे हो गए, ये रावण बन के रह गए सब हमारी जान के लिए, समझने की कोशिश नहीं करते, इंसानियत खत्म हो गई सबकी, मूर्ख लोग ऐसे देखे इस कुर्सियों पर बैठेंगे जिनको कोई समझ में नहीं है, उसको जानते नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, पता है पानी व्यर्थ बह रहा है, इसको शिकायत करने की जरूरत है, दिख रहा है साहब साहब, बंद करवाओ टाइम से उसको, मैं यही कहूंगा प्रशासन से, नहीं तो आपके खिलाफ जयन साहब, आपके खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा कॉलोनी तरफ से, अगर आपने सही टाइम पर एक्शन नहीं लिया तो।
सीपी हॉस्पिटल सवाई माधोपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल, जिसमें है सभी अंगों के विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम। अपॉइंटमेंट के लिए आज ही कॉल करें 8239876900। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में आंखों का सर्वश्रेष्ठ गोयल आई हॉस्पिटल है, जिसमें आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष गोयल व उनकी टीम द्वारा दूरबीन के द्वारा किए जाते हैं। राजस्थान के कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शानदार ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक उपकरणों से ऑपरेशन करने की सुविधा, जागरूक स्टाफ सहित बैठने की उचित व्यवस्था है। संपर्क करें 9435265749 9928838438। ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।